नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां गौ तस्करी रुकवाने और गौ तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां मुरादाबाद में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई अलग अलग जगह से हैरान करने वाली तस्वीर निकल कर आई सामने। और बताएंगे कैसे सरगुजा में बांग्लादेशी शरणार्थियों को मिले जमीनों को तत्कालीन सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा परमिशन देकर रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जिले के सुसनेर तहसील सलारिया गौ अभ्यारण का मामला, जहां श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैनर तले गौ भक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गौ तस्करी रुकवाने व संबंधित पर कठोर कार्यवाही करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया व गौ तस्करों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। साथ ही पुलिस अधीक्षक के नाम का ज्ञापन ASP निशा रेड्डी व कलेक्टर के नाम का ज्ञापन SDM सर्वेश यादव को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि निरंतर सालरिया गौ अभ्यारण के समीप गौ तस्कर सक्रिय हैं व गौ वंशों की तस्करी की जा रही है, जिसके संबंध में अवगत कराते हुए गौ तस्करी पर अंकुश लगाने व गौ तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई है। वहीं ASP व SDM के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसकी विधिवत जांच करने के उपरांत कार्यवाही की जाएगी। आश्वासन के बाद ही गौ भक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लौटे। गौवंश को लेकर के और कामधेनु अभ्यारण है सालरिया वाले, तो शर्मा जी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि गौवंश की कार्रवाई की जाए। तो ये ज्ञापन में जो भी हैं इनके बिंदु हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके द्वारा भी एक टीम हमारे यहाँ पे काम कर रही है, जिसमें नागेश यादव TI स्वयं हैं और उनकी पूरी एक टीम है और वो भी कार्रवाई कर रही है। हमारे यहाँ कल भी कोतवाली पे कार्रवाई हुई है और आज भी हो रही है, आज भी लेके आए हैं तो कार्रवाई हो रही है और रात को भी बिल्कुल हम लोग लगातार हम कार्रवाई करेंगे भी सही और कर भी रहे हैं। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। झारखंड में छठे चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छठे चरण में 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है, जिसमें रांची लोकसभा के साथ धनबाद और गिरिडीह में चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन व जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इस दौर में सभी मतदान कर्मी, पदाधिकारी, अधिकारी व सुरक्षा कर्मी को मतदान से संबंधित सभी सामग्री समेत EVM मशीन, VVPAT आदि की सुपुर्दगी कर मतदान केंद्रों की ओर बसों या अन्य वाहनों के द्वारा भेजा जा रहा है। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद की बिलारी स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चलती हुई नजर आ रही हैं। आज महिला पिक अस्पताल में कई दर्जन से ज्यादा गर्भवती महिलाएं अपने अल्ट्रासाउंड के कार्ड एवं पर्ची से हवा करती हुई नजर आई। महिला पिक अस्पताल की पड़ी लचर व्यवस्था को देखते हुए आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक लगातार गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लाख सुविधा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिलारी की कुछ और बयां करती है। यहाँ अस्पताल के बाहर लगे सरकारी हैंडपंप, अस्पताल में साथ में पंखा ना होना एवं सरकारी हैंडपंप सही ना होना, अस्पताल पर लगे एक प्याऊ का साइन ना होना चिंता का विषय है। इसी विषय को लेकर महिला पिक अस्पताल की प्रभारी रेशमा से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अस्पताल में पंखे की व्यवस्था है लेकिन लाइट नहीं है। इन्वर्टर की व्यवस्था भी है लेकिन जनरेटर ना होने के कारण इन्वर्टर इतना लोड नहीं ले पाता, इसलिए कुछ पंखों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन कैमरे में कैद हुई तस्वीरें स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही हैं। मैं MCH विंग बिलारी में पोस्टेड हूँ। जी, मैंने परसों की CLE थी 22 तारीख की और कल GS थी, तो मैं ऑन कॉल थी। जैसे कोई पेशेंट का लेके था तो इसलिए कोई ऐसी इमरजेंसी थी नहीं, इसलिए मैं ऑन कॉल ड्यूटी पे थी और डॉक्टर शतांबरी की ड्यूटी कल इमरजेंसी में यहाँ पे थी। तो जिलाधिकारी महोदय ने खुद इस चीज़ के बारे में जैसे बताया कि आप और यहाँ की कुछ व्यवस्थाओं से भी असंतुष्ट दिखे, तो उसके लिए क्या कहना?
जी, जो हमारा किचन की व्यवस्था है मेस की, वो एमओसी सर देखते हैं, तो उसके बारे में वही आपको प्रॉपर बता पाएंगे। और सफाई व्यवस्था के बारे में मैंने आज स्वीपर को निर्देश दे दिए हैं कि पूरा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। ये जिस तरीके देखा जा रहा है कि महिलाओं की भीड़ लगी है और पंखे की व्यवस्था नहीं है, अपने जो कार्ड है उनके हाथ में उसे हवा करती हुई नजर आ रही महिलाएं, क्या करना चाहिए? जी, पंखे वगैरह तो हमारे यहाँ सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन अब इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं? कुछ पंखे नहीं चल रहे हैं, इसकी कमी है। पंखे तो सारे चल रहे हैं, शायद लाइट नहीं है अभी इस वक्त, जो इन्वर्टर से कनेक्टेड होंगे वो चल रहे होंगे। तो क्या व्यवस्थाएं हैं गर्मी को लेकर, जिस तरीके महिला गर्भवती महिलाओं को दिक्कत हो रही गर्मी से, तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं आप कर चुकी गई है? अभी हमने नया इन्वर्टर लगाया है, शायद 3-4 दिन पहले ही लगाया है, लेकिन अभी मुझे लगता है लाइट नहीं है यहाँ बिलारी में, तो इसलिए जो लाइट वाले पंखे होंगे वो ओपन नहीं होंगे, बाकी सारे हैं। जनरेटर की व्यवस्था नहीं की पड़ेगी? जनरेटर की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है एमसीएच के लिए। जो डिलीवरी होती किस प्रकार से होती है जब लाइट नहीं होती? इन्वर्टर है अंदर। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। अंबिकापुर शहर में बांग्लादेशी शरणार्थियों को मिले जमीनों को तत्कालीन सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा परमिशन देकर रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है, जहां आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पीएमओ से छत्तीसगढ़ सरकार को टीम गठित कर जाँच करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला तत्कालीन रहे 2011 बैच के कलेक्टर संजीव कुमार झा की पदस्थापना 6 फरवरी 2019 में हुई, जहां इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह से जमीन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जैसे ही तत्कालीन कलेक्टर का तबादला कोरबा होते ही कलेक्टर ने बांग्लादेशी शरणार्थियों की कई एकड़ जमीन को बेचने की परमिशन देकर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम कलेक्टर ने किया। इधर आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने बताया कि इस तरह से आम आदमी के ऐसे जमीन को परमिशन कई महीने और साल लग जाते हैं, साथ ही परमिशन कराने के लिए पुख्ता आधार भी होना जरूरी होता है, लेकिन कलेक्टर की सांठगांठ भू माफिया के साथ होने की वजह से ये कार्य महीनों में पूरा होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही आरटीआई कार्यकर्ता ने करोड़ों रुपए लेकर इस तरीके से बांग्लादेशी शरणार्थियों को जमीन को परमिशन देने का आरोप कलेक्टर पर लगाया है, जिसकी शिकायत पीएमओ में किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि तत्कालीन कलेक्टर सहित भू माफियाओं पर क्या कार्यवाही होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, हमारे सरगुजा जिले में श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर पदस्थ हुए थे और ये अपने पदस्थापना के दौरान पुनर्वास विभाग शरणार्थी बंगालियों की भूमि का विक्रय की अनुमति के किसी को भी प्रदान नहीं किए, और जब इनका स्थानांतरण अंबिकापुर से कोरबा ज़िले में हुआ तो इन्होंने बैक डेट में जाकर लगभग 21 से 22 परमिशन अनुमति इन्होंने दिया, और जो अनुमति दिया इन्होंने किसी को 1 एकड़, किसी को 2.5 एकड़, किसी को 1.5 एकड़, किसी को 29 डिसमिल, 52 डिसमिल, ऐसे कर करके 21 व्यक्तियों को दिया। जो इन्होंने परमिशन दिया उसमें इन्होंने मोटी कमीशन लेकर परमिशन दिया। आपको आश्चर्य होगा कि जो सामान्य व्यक्ति है जो परमिशन के लिए जिनको वास्तव में ज़रूरी है भूमि क्रय करने का, जो पूरी साल भर की पूंजी लगाकर 10 डिसमिल क्रय करने के लिए लगाता है और परमिशन के लिए लगाता है, उसकी परमिशन नहीं होती है, सालों बीत जाते हैं। हमारे संजीव झा कलेक्टर साहब ने एक ऐसा प्रकरण है, मैं बताऊंगा, कदम मंडल राहुल गर्ग का, जो 11 अप्रैल 2004 को कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत हुआ और 26 5 2022 को परमिशन की अनुमति मिल गई। 1 एकड़ ज़मीन है। इस प्रकरण में जो विक्रेता था वो कभी यहाँ नहीं आया है, वो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनका कोई अधिकार ग्रहीता आके परमिशन करवाया, रजिस्ट्री करवाया। इस ज़मीन में पूरी भू माफियाओं का संलग्न था। आज करोड़ों रुपए लेकर ये परमिशन दिए हैं और जितनी ज़मीन परमिशन मिली है सब में भू माफियाओं का संलग्न है। जो छोटे ज़मीन 5 डिसमिल 10 डिसमिल है वो वास्तव में उन लोग का है कि उन लोग का कम है, बाकी लोग में सभी में इन्होंने मोटी रकम लेकर परमिशन दिया है और कोरबा ट्रांसफ़र होने के बाद इन्होंने परमिशन दिया, जिसके पूरे दस्तावेजों को मैंने निकाला। दस्तावेज को निकालने के बाद मैंने शिकायत माननीय प्रधानमंत्री को किया, प्रधानमंत्री को करने के बाद यहाँ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में भी किया, करने के उपरांत ही माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा कार्मिक मंत्रालय को भेजा गया। कार्मिक मंत्रालय ने चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन को उक्त पत्र भेजते हुए आईएएस अधिकारी के विरुद्ध जांच करने का निर्देश दिया है
और उक्त पत्र की कॉपी मुझे भी मिली है। अब अभी देखना है कि जांच कब हो रही है और जांच में कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसमें माननीय उच्च न्यायालय जाने की भी तैयारी कर रहा हूँ, अगर विधिवत जाँच करके इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो। सरगुजा से सीनियर संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।